मैं द बॉटनी चैनल की तरफ से आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि देख रहे हैं कि किडनी डिजीज और उसके लक्षण के साथ साथ किडनी डिजीज में जो लक्षण आते हैं उसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट कराएंगे, जो कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे शरीर से सभी तरह के कचरे मतलब एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, वो काम किडनी का है। अगर जो ये किडनी सही से अपना काम और फंक्शन करना बंद कर दे तो उस कंडीशन में शरीर में बहुत से कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे और साथ में अंत में अगर किडनी फेल्योर होने से डेथ हो सकते हैं। अब किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज को 5 स्टेज में इनके लक्षण को बांटा गया है। पहला स्टेज में इसकी कार्य क्षमता 90% से 100% तक होती है। ऑग्लूशन फिल्ट्रेशन रेट 90 ml/min से ज़्यादा रहता है और मरीज के लक्षण पेशाओं में प्रोटीन आना फर्स्ट स्टेज में, दूसरा एक्सरे एमआरआई और सीटी स्कैन के साथ सोनोग्राफी से किडनी की खराबी पता चल सकती है। तो फर्स्ट स्टेज में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन 90 ml और पेशाब में प्रोटीन आना लक्षण हो सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेज, इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन 60 से 89 ml/min हो जाता है। इसमें मरीज को किसी ही प्रकार के कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, किंतु कुछ मरीजों में रात में बार बार पेशाब जाना या उच्च रक्तचाप होना आदि शिकायतें हो जाती है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर और नॉक्चुरल यूरिया माने बार बार रात में पेशाब करना। इनकी पेशाब जांच में कुछ असमानताएं और ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ी मिलती है। क्रोनिक किडनी डिजीज के मरीज में खून में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। थर्ड स्टेज में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन 30 से 59 ml/min हो जाता है। यह बिना लक्षण के या हल्के लक्षण के साथ उपस्थित होता है। इसमें पेशाब में कुछ यूरिन में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, साथ में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी बढ़ी हुई रहती है। फोर्थ स्टेज, इसमें GFR 15 से 29 ml/min तक की कमी आ जाती है। जहां 100% 90 से 100% था, वहां 15 से 29 ml/min तक GFR हो जाता है, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इसमें हल्के लक्षण या अस्पष्ट या अनिश्चित हो सकते हैं, बहुत तीव्र भी हो सकते हैं। इसमें किडनी फेलियोर या उससे जुड़ी हुई मूल कारणों पर निर्भर करता है। फिफ्थ स्टेज, इस स्टेज में किडनी की कार्य क्षमता 15% से कम हो जाती है। इसमें किडनी डिजीज की अंतिम अवस्था भी कहते हैं। ऐसी अवस्था में मरीज को डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो सकती है। मरीज में लक्षण स्पष्ट या तीव्र हो सकते हैं और उनके जीवन के लिए खतरा और जटिलताएं बढ़ सकती हैं। अब किडनी खराब होने के लक्षण, प्रत्येक मरीज में किडनी खराब होने के अलग अलग लक्षण होते हैं। पहला, पैरों के नीचे हिस्से में सूजन आना। दूसरा, प्रायः सुबह के समय आंखों के चारों तरफ और चेहरे पर सूजन आना। तीसरा, थोड़ा काम करने पर थकावट महसूस होना, सांस फूलना, खाने में अरुचि होना, उल्टी उबकाई आना, कमजोरी महसूस होना, वजन कम हो जाना, खून में फीकापन मतलब एनीमिया होना, किडनी में बनने वाला एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन की कमी होती है जाती है, जिससे ब्लड में कमी आ जाती है और एनीमिया हो जाता है। शरीर में खुजली होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, विशेष रूप से रात के समय बार बार पेशाब जाना, नॉक्चुरनूरिया या दस्त में कमी होना, नींद में नियमित क्रम में परिवर्तन होना, दवा लेने के बाद भी उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं रहना, स्त्रियों में मासिक में अनियमितता मतलब महिलाएं में MC में अनियमितता या पुरुषों में नपुंसकता होना, किडनी में बनने वाला सक्रिय विटामिन डी कम बनना जिससे बच्चों की ऊंचाई कम बढ़ती है और वयस्कों में हड्डियां में दर्द रहता है, भोजन में रुचि कमजोरी और जी मिचलाना क्रोनिक किडनी डिजीज के अधिकांश मरीजों के मुख्य लक्षण हैं।
अब इन्वेस्टिगेशन रूटीन में KFT क्रिएटिनिन फंक्शन टेस्ट बोलते हैं या रेनल फंक्शन टेस्ट RFT बोलते हैं, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम पोटेशियम इत्यादि कराए जाते हैं। उसके साथ साथ यूरिन में यूरिन प्रोटीन देखे जाते हैं और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखा जाता है। जैसा कि ऊपर हर स्टेज का अलग अलग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है और एक्सरे, MRI और CT स्कैन और या सोनोग्राफी द्वारा किडनी की अवस्था पता लगाई जाती है। ये सब लक्षण के साथ साथ इतने इन्वेस्टिगेशन से किडनी डिजीज के बारे में पता चल जाता है। अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।